रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा। नमस्ते, तत्व सत्व एक्सेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। अच्छा, ये बताइए, गणित के बारे में आपका क्या विचार है? कठिन विषय है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता रहा है। आप जानते हैं, भारत में गणित परंपराओं, दैनिक जीवन और पूजा विधि का भाग रहा है। हिंदू परिवारों में गणित उतना ही प्राचीन है जितना सनातन धर्म स्वयं। मुझे पता है कि आप जानते हैं, शून्य का आविष्कार भारत में हुआ है। मैं इस बारे में बात नहीं करने वाला, ये बात तो सब जानते हैं। एक्चुअली हम बहुत सारी बातें जानते हैं, बस हमारा ध्यान भंग हो गया है, नहीं? अच्छा चलिए, आगे जो बातें करूंगा ना, उससे यही सिद्ध होगा कि ये सब तो आप जानते थे, बस ध्यान में नहीं था। शुरू करता हूं। सबसे पहले सनातन धर्म में बतलाई गई महत्वपूर्ण बात, युग कितने? चार। उनका आवंटन या डिस्ट्रीब्यूशन जिस प्रकार से वर्षों में किया गया है, वो गणित के ज्ञान के बिना क्या संभव था? हिंदू धर्म मानने वालों में गणित का ज्ञान उतना ही प्राचीन है जितना कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म स्वयं है। वेदों में गणित के अनेक सूत्रों का उल्लेख मिलता है। वेदांग ज्योतिष एक प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है, इसे सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में गणित के महत्व को बतलाते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मोर की शिखा और नागों में मणि सबसे ऊपर स्थित होता है ना, वैसे ही समस्त वेदांग शास्त्रों में गणितम मूर्धनी स्थितम, गणित का स्थान सर्वोपरि है। समस्त ज्योतिषीय गणनाएं हिंदू वेद शास्त्रों में बताए गए गणित के आधार पर ही की जाती है। देखिए, आप जानते ही हैं कि एक महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। पक्ष होता है 15 दिनों का और इसकी गणना की जाती है चंद्रमा से, है ना? गणित भारतीय गणित सबसे अधिक उन्नत यानी डेवलप्ड रहा है। आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? अरे सुना ही होगा, भास्कर आर्यभट्ट बौधायन थोड़े ही हैं जो न जानते हो। तो आइंस्टाइन साहब ने कहा था, वी ओ अ लॉट टू द इंडियंस हु टॉट अस हाउ टू काउंट, विदाउट विच नो वर्थवाइल साइंटिफिक डिस्कवरी कुड हैव बीन मेड। श्रीमान आइंस्टाइन जी काउंटिंग तक की ही हमारी योग्यता को पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने बौधायन के प्रमेय को नहीं, हमारी तरह उसी प्रमेय को पाइथागोरस थ्योरम के रूप में पढ़ा होगा। ये बौधायन कौन थे, यही प्रश्न आया ना मन में? बौधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र के रचयिता थे। अब यह शुल्ब सूत्र क्या है? ज्यामिति या रेखा गणित। अरे ज्योमेट्री। बौधायन का एरा पाइथागोरस के एरा से काफी पहले का है, पढ़ाया जाता तो अवश्य जानते, है ना? अरे हाँ, हिंदू धर्म में पूजा पाठ यज्ञ विधि इत्यादि कितनी प्राचीन है ये जानते हैं आप? मैं भी नहीं जानता, एक्चुअली कोई भी नहीं जानता, पर यज्ञ कराने वाले ये अवश्य जानते हैं कि यज्ञ कुंड कैसा और किस माप का बनेगा। इसका मतलब यह है कि रेखा गणित प्राचीन काल में एग्जिस्ट करता था। वैदिक काल में यज्ञ कर्म करने के लिए अनेक प्रकार की वेदियां बनाई जाती थीं, जिसे बनाने के लिए वृत्त यानी सर्कल, वर्ग यानी स्क्वायर, आयत यानी रेक्टेंगल, इन आकृतियों का ज्ञान कंपलसरी था। इसके साथ ये जानना भी अनिवार्य था कि किसी एक प्रकार की वेदी को समान क्षेत्रफल यानी एरिया वाली दूसरी वेदी में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण में वेदियों के निर्माण की विधि को विस्तार से समझाया गया है। ये भी बताया गया है कि इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, मतलब वृत्ताकार यानी सर्कुलर वेदी को चतुष्कोण यानी क्वाड्रेंगल वेदी में और चतुष्कोण को त्रिकोण यानी ट्रायंगुलर वेदी में कैसे परिवर्तित करें। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ग्रंथ है। विवाह या किसी पूजा विधि में या यज्ञादि में आपने देखा है ना, यज्ञ कुंड वेदी इत्यादि बनते, बिना रेखा गणित के थोड़ा ही बनता है, जानते हैं ना आप? बस ध्यान भंग हो गया है हमारा। गणित हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है। मैथमेटिक्स और हिंदुइज्म
एकदम सिंक में हैं। हिंदू धर्म की बातों, क्रियाओं, परंपराओं और कर्मों को ना अंधविश्वास की कसौटी पर रखना बंद करना होगा। विज्ञान की कसौटी पर रखिए ना, किसने रोका है। अच्छा, महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजन पर तत्व सत्व एटसेट्रा का एपिसोड सुना है आपने? अवश्य सुनिए, अच्छा लगेगा। सौरभ का नमस्कार। रेडियो सिटी ओरिजिनल्स, तत्व सत्व एक्सेट्रा।